आज हम बात कर रहे हैं जिप्सम के फायदे और उस पर मिलने वाली सब्सिडी की। तो सब्सिडी के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं जिप्सम के फायदों की। सबसे बड़ा और पहला फायदा तो ये है कि जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर होता है, जिससे पौधे का विकास होता है और पैदावार बढ़ती है। जिप्सम जो है जमीन की भौतिक प्राकृतिक गुणों को ठीक करता है, यह छितराव को रोकता है और उसके जमाव में मदद करता है। जिप्सम जो है कठोर परत बनने से रोकता है और फसल के जमाव को बढ़ाता है। यह पानी के रिसाव को भी बढ़ाता है, यानी कि सतह से जड़ों तक पानी को पहुंचने में मदद करता है। जिप्सम जमीन के कटाव को रोकता है, पोषक तत्वों को पानी के साथ बहकर दूसरे जगह जाने से रोकता है। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी और एसिडिक जो सोइल है उसको ठीक करता है और इस तरह से जड़ों को गहराई में जाने में मदद करता है, ताकि वो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट और पानी वहाँ से ले सकें। जो नमक वाली जमीन है उसको सुधारने का सबसे सस्ता और आसान तरीका जिप्सम है। इसका इस्तेमाल आप बागवानी, कृषि, ग्रीन हाउस, गार्डन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल उचित मात्रा में कीजिए। चलिए अब बात करते हैं इस पर मिलने वाली सब्सिडी की। सब्सिडी के बारे में हमने आपको अपनी पहली एक वीडियो जो हमारे चैनल ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया पर हमने डाली थी, गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया के नाम से, उसमें आपको बताया गया था कि सभी राज्यों ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जिस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस वीडियो में हमने अलग अलग राज्यों के जो विभाग की वेबसाइट हैं उनके बारे में बताया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं जिप्सम की, और उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं हरियाणा की जो वेबसाइट है हरियाणा के किसानों के लिए, वहां पर जिप्सम के लिए हम कैसे आवेदन कर सकते हैं वो आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है गूगल सर्च में लिखिए agrihariana.in, यहाँ पे ये वेबसाइट का पेज खुल गया है और आप देख सकते हैं जैसे ये ऊपर पट्टी चल रही है, भूमि सुधार हेतु जिप्सम स्कीम में आवेदन के लिए क्लिक करें। यहाँ पर भी देख सकते हैं जिप्सम के लिए आवेदन करें, लेकिन आवेदन से पहले आपको अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने की प्रक्रिया हमने एक वीडियो इसी चैनल पर डाली थी जिसका नाम था हाउ टू गेट सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर, या फिर कृषि सब्सिडी कैसे लें, इस नाम से ये डाली हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, इसमें आपको पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि पंजीकरण कैसे करना है। तो पंजीकरण की अगर आप पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं उसके बाद आपको जिप्सम के लिए आवेदन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको इस स्कीम के बारे में पता चलेगा, फिर यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 75 रुपीज़ प्रति बैग सब्सिडी है, जो कि 21,000 रुपये एक किसान ले सकता है। इसके अलावा अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं इस स्कीम के बारे में और जिप्सम के बारे में कि कैसे आपको ख़रीदना कहां से है और आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी और कितनी मैक्सिमम आप ले सकते हैं, यहां पर पूरी जानकारी के लिए यहां क्लिक कीजिए। इसमें आपको पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इनको चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि तिथि समाप्त। आमतौर पर यहाँ पर लिखा होता है कि आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे तिथि समाप्त लिखा, यहाँ पर आवेदन लिखा होता है, क्योंकि जो इसकी तिथि थी आवेदन करने की वो 31/3/2017 थी, इसलिए यहाँ पर तिथि समाप्त लिखा हुआ है। तो तिथि जो दी होती है आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या इस वेबसाइट पर आप कुछ अंतराल बाद विजिट करके देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर जो आपकी विभाग की वेबसाइट है वहां पर आपके लिए अनुदान के रूप में क्या आया हुआ है।
तो यहाँ पर आवेदन लिखा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते एक पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना पंजीकरण नंबर डालना होगा या आपका आधार नंबर या आप वोटर कार्ड नंबर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद जितनी एकड़ के लिए आपको आवेदन करना है वो, और अपना मोबाइल नंबर डालते ही आवेदन आपका हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि सभी राज्यों में एक जैसी ही है लगभग, तो समय समय पर जो आपकी राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट है जो हमने बताई थी आपको, उनको चेक करते रहिए। और इस तरह की ज़्यादा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।